नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 पीटी के लिए करंट के तौर पर क्या देख रहे हैं, पीटी 365 जो विजन मैगजीन की निकलती है, सबसे अच्छी करंट अफेयर की मैगजीन मानी जाती है। इसमें हमने कई पोर्शन में से पॉलिटिक पूरी कंप्लीट कर दी है, इकोनॉमिक्स हमारा ये चल रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। इसमें देखिए हम मेन मेन पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो ये पोर्शन है क्या है, भारत में मुक्त व्यापार समझौता उसके बारे में, ये फ्री ट्रेड के बारे में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश बायलेटरल ट्रीटी पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी प्रदान की है। द्विपक्षीय निवेश संधि के बारे में देख लेते क्या होता है। ये जो द्विपक्षीय निवेश संधि, एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए पारंपरिक समझौता, मतलब जैसे मान लीजिए यूएई ने हमारे यहाँ कोई निवेश किया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है जिस देश में हुआ रहता है, भारत में हुआ है, तो उसकी जो है वो सुरक्षा करेगा, इसी के बारे में है। अब आगे उसके देखेंगे कि मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी देख लेते क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता एक प्रकार की संधि है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को कम या समाप्त करती है, बिल्कुल खत्म नहीं करती, थोड़ा कम या समाप्त करती है। समानता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें देश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा संबंधी नीतियों को भी शामिल किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मूलभूत सिद्धांत के विपरीत, विश्व व्यापार संगठन के मूलभूत सिद्धांत के विपरीत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक मूलतः एक भेदभावपूर्ण प्रणाली है। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विश्व व्यापार संगठन के तहत मान्य है, कोई देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को तभी प्रवेश कर सकता है जब वह WTO समझौता के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित कुछ शर्तों का पालन करता हो। अब देख लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रकार का देख लेते हैं, कैसे आर्थिक संघ के रूप में देखते हैं। आर्थिक संघ में समस्त सदस्य देश अपनी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का एकीकरण करते हैं, मतलब इस आर्थिक निवेश में क्या होगा, सभी देश मिलकर अपने में मौद्रिक नीतियां एक तरह लागू करने का प्रयास करते हैं। साझा बाजार क्या होता है, साझा बाजार मुख्य रूप से सीमा शुल्क संघ का एक ही प्रकार का रूप है। इसमें सदस्य श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही की अनुमति देते हैं। इसके बाद है सीमा शुल्क संघ, सीमा शुल्क संघ के तहत सदस्य देश गैर सदस्य देशों के साथ समानता बाह्य प्रशुल्क बनाए रख सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौता, सदस्य देश मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं या दोनों पर आरोपित सीमा शुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम या समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद है अधिमान्य व्यापार समझौता, इसमें भागीदारी देश स्वीकृत उत्पादों के लिए प्रशुल्क कम करने पर सहमत होते हैं। भारत द्वारा फ्री ट्रेड जो किए गए जब तक अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में देखते हैं। भारत ने कई देश व्यापारिक क्लब के साथ 13 जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इन देश व्यापारी क्लब में शामिल होते हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरिशियस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, आसियान और साउथ एशिया में फ्री ट्रेड एरियाज हैं। अब है भारत ने जिन जिन देशों या व्यापारी क्लब के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया है वहां पर पिछले 5 वर्ष में निर्यात 20.75% की वृद्धि हुई है। भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े हालिया घटनाएं क्या है, इनोवेटिव डिजाइन, इसमें क्या बोला गया है कि भारत में पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के साथ फ्री एग्रीमेंट ट्रेड के दायरे में डिजिटल व्यापार को शामिल किया। डिजिटल व्यापार मतलब एक प्रकार का वो होता है कि इंटरनेट से जो व्यापार किया जाए उसे डिजिटल व्यापार कहा जाता है। NTBS का सामान्य समाधान करना, हाल ही में हस्ताक्षरित FTA जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में नॉन टैरिफ बैरियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। सेवा क्षेत्र पर फोकस, पिछले समझौते में सेवाओं के व्यापार पर बहुत ज़्यादा धन नहीं दिया गया है। अब है
उसके बाद देखेंगे नेचुरल व्यापारिक भागीदारी, इन राष्ट्रों की ट्रेड बास्केट अधिक ट्रेड बास्केट अच्छी मात्रा में पूरकता दर्शाती है। इस प्रकार उन्हें नेचुरल व्यापारिक साझेदारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत आसियान, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संगठन आसियान ने 2025 तक मौजूदा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वस्तुओं की समीक्षा पूरी करने पर सहमति जताई है। अब है वैश्विक ट्रेड बैरियर जो आता है उसको देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ते बिखराव या विखंडन की बात कही है। WTO ने के अनुसार 2015 से 22 के बीच व्यापार संबंधित शिकायतों की संख्या में 9 गुना की वृद्धि हुई है। ट्रेड बैरियर यानी व्यापार संबंधित बाधाएं क्या होती हैं, परिभाषा देख लेते हैं। ट्रेड बैरियर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाली नीतियां या विनियमन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगने वाले शुल्क यानी टैरिफ, कोटा, लाइसेंस आदि को मुख्यतः ट्रेड बैरियर का हिस्सा माना जाता है। ट्रेड बैरियर क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कोटा हो गया, टैरिफ हो गया, लाइसेंस हो गया, तो ये सब जो आप देखेंगे ये ट्रेड बैरियर है। प्रश्न ऐसे बनेंगे, ट्रेड बैरियर कौन कौन से हैं। अब प्रकार देखते हैं, व्यापार में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हो सकते हैं। टैरिफ बैरियर में देखेंगे, सरल शब्दों में टैरिफ बैरियर एक प्रकार का कर है जो आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस कार्य के कारण उत्पाद की लागत बढ़ जाती है और इसे बढ़ी हुई लागत का उपभोक्ताओं पर वहन करना पड़ता है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर उपाय टैरिफ के अतिरिक्त वे नीतिगत उपाय हैं जो किसी देश में आयात को प्रभावित करती हैं। जबकि नॉन टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ सॉरी NTMS तार्किक औचित्य से परे व मानदंड या ढंग से काम करने में लगता है और व्यापार की बाधाएं उत्पन्न करता है, उन्हें NTB कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार का और विकास सम्मेलन अंकटा ने 16 प्रकार के नॉन टैरिफ बैरियर को वर्गीकृत किया है। इसमें निम्नलिखित शामिल है, तकनीकी बैरियर जिसे जैसे कि सेनेटरी और फाइटो सेनेटरी का उपाय, गैर तकनीकी बैरियर जैसे कि व्यापार सुरक्षात्मक उपाय, उत्पत्ति के नियम, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, निर्यात संबंधित उपाय। अब है टैरिफ बैरियर का भारत उद्योग पर प्रभाव क्या होता है। एक आकलन के अनुसार भारत में 80% व्यापार किसी ना किसी रूप में नॉन टैरिफ बैरियर से के अधीन है। भारत में निर्यात किए जाने वाले निम्नलिखित उत्पाद नियमित रूप से उच्च NTBS में सामना कर रहे हैं। यूरोपीय संघ में निर्यात किए जाने वाले चाय, बासमती चावल, पशु उत्पाद, रासायनिक उत्पाद। जापान में निर्यात किए जाने वाले जैसे तिल के बीज, झींगा, दवाई, परिधान। चीन में जो होता है मांस मछली, डेयरी के उत्पाद। संयुक्त अरब अमीरात में जो होता है फल और झींगा का निर्यात किया जाता है। अब है सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी उपाय, उक्त अर्थव्यवस्था में भारतीय निर्यात के समक्ष कुछ बाधाएं हैं। UNCTAD के अन्य रिपोर्ट क्या क्या है, वो व्यापार और आप देखेंगे व्यापार और विकास रिपोर्ट आती है, विश्व निवेश रिपोर्ट आती है, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट आ जाती है, फिर है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार आ जाती है, फिर समुद्री परिवहन समीक्षा आ जाती है। तो ये जो दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये व्यापार से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। संयुक्त अरब अमीरात और विकास सम्मेलन अंकार्ड, तो ये ध्यान रखिएगा, मुझे लग रहा है प्रश्न यहाँ से फ्रेम जरूर होगा कि संयुक्त राष्ट्र जो ये रिपोर्ट आ रही है इसे बोलते हैं हम कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कौन कौन सी और रिपोर्ट निकालता है। अब है अन्य सुर्खियां देख ले क्या है। व्यापार और विकास का संयुक्त सम्मेलन अंकार्ड में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र, वैश्विक परिदृश्य में 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर
समृद्धि पर 2.4% रहने का अनुमान है। भारत में आर्थिक समृद्धि दर 2023 में 6.6% और 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। अंकार्ट के बारे में उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। सदस्य क्या है? भारत सहित 195 सदस्य इसमें। सौंपे गए कार्य क्या है? अंकार्ट के कार्य मुख्यतः निम्नलिखित चार क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला है व्यापार एवं विकास, निवेश और उद्यम, प्रौद्योगिकी और नवाचार, और समष्टि अर्थव्यवस्था एवं विकास संबंधित नीतियां। कार्य क्या है? विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के अधीन न्याय संगत रूप में भाग लेने में मदद करना। व्यापार, निवेश, वित्तीय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहायता से विकासशील देशों में समावेशी एवं संधारणीय विकास को बढ़ावा देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है हमारा? विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में आ रहा है। इसके बारे में देखना, इसके प्रमुख प्रमुख समझौते देख लेते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में इसके संग जो इतिहास रहा है वो देख लेते हैं। भारत में विश्व व्यापार संगठन में अपीली निकाय में विवाद निपटान निकाय के एक फैसले के खिलाफ अपील की है। विवाद निपटान निकाय के फैसले में कहा गया है कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत अपनी शून्य प्रशुल्क प्रतिबद्धता का उल्लंघन कर रहा है। WTO में विवाद का निपटारा। WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को निपटाने के निम्नलिखित दो तरीके हैं। पहले है पक्षकार विशेष रूप से द्विपक्षीय विचार विमर्श के चरण के दौरान परस्पर सहमति वाले समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, तथा अधिनिर्णय के माध्यम से जिसमें बाद में पैनल और अपीली निकाय की रिपोर्ट का क्रियान्वयन भी शामिल है। WTO निपटान प्रक्रिया के तीन मुख्य चरण हैं। पहला है कि पक्षकार के बीच विचार विमर्श करना, विवाद निपटान पैनल का निर्णय करना और निर्णय का क्रियान्वयन करना है। बस ही ध्यान रखिएगा। फिर है WTO के समझौते क्या है। पहला देखते हैं कृषि पर समझौते हैं, आप जानते हैं। फिर है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। फिर है व्यापार तकनीकी में आई बाधाओं की को समझौते संबंधित, व्यापार सुविधा संबंधित है। सेवाओं में व्यापार पर समानता समझौता है। फिर है व्यापार संबंधित निवेश उपाय एवं समझौता है। स्वच्छता और पादप स्वच्छता के उपाय को लागू करने पर समझौता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देख लेते हैं, इसका इतिहास क्या है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। WTO अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाने का एकमात्र वैश्विक मंच है। यह व्यापार वार्ता को सुविधाजनक बनाता है। व्यापार समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी करता है और देश के बीच व्यापार विवादों को निपटाने में एक मंच रूप प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियमों को लोग के 1987 और 1994 तक बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे में आयोजित किया गया था। 1994 में वार्ता के समापन पर मारेकस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। पूछेगा मारेकस समझौता किससे है, तो व्यापार विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। इस समझौते के जरिए WTO के स्थापित किया गया है कि समझौता 1 जनवरी 1995 से लागू है। WTO को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एवं ट्रेड यानी गेट के स्थान लिया है। गौरतलब है कि गेट एक व्यापार समूह था। इसे 1948 में स्थापित किया गया था। इसे नियामकों में आधुनिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की शुरुआत की है। सदस्य पद इस संगठन के में भारत सहित 164 देश हैं। WTO में निवेश सुविधा समझौता क्या है वो देख लेते हैं। विकासशील देश सबसे कम विकसित सदस्यों में से एक समूह द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। यह संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य विकास के लिए निवेश सुविधा पर एक बहुपक्षीय समझौते तैयार करना है जो निवेश और व्यापार समझौते में सुधार करेगा। इसमें शामिल भारत नहीं है। असंबंधित सुर्खियां देख रहे थे। वर्तमान देश का दर्जा। अमेरिकी सीनेट ने एक समिति चीन में विकासशील देशों के दर्जे को समाप्त करने कानूनी ढंग से मंजूरी दी है। यह कानून एक अमेरिकी
एक अमेरिकी नीति का मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसके तहत भविष्य में होने वाली संधियों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच संगठनों में चीन के साथ एक विकासशील देशों का व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस कानून के तहत यह दावा किया गया है कि अमेरिका को अब एक विकासशील देश नहीं माना जाएगा, सॉरी, चीन को एक विकासशील देश नहीं माना जाएगा। विश्व व्यापार संगठन ने विकास एवं विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है, याद रखिएगा, उसने विकास और विकासशील देशों की कोई भी परिभाषा अभी तक विश्व व्यापार संगठन ने नहीं की है। इसका सदस्य देश स्वयं को, इसका जो देश होता है स्वयं को, वो सदस्य देश स्वयं को यह घोषणा करने में स्वतंत्र है कि वह विकसित है या विकासशील है। संयुक्त राष्ट्र ने भी विकासशील देशों को कोई औपचारिक परिभाषा निर्धारित नहीं की है, और फिर भी निगरानी संबंधित कार्यों के लिए इस शब्द उपाय करता हुआ रहता है। अब है वी डॉलर डॉलरीकरण, मतलब कि डी डॉलराइजेशन को देखेंगे। सुर्खियों में क्यों? ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अमेरिका अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान के लिए एक मुद्रा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वी डॉलरीकरण में क्या हुआ है कि ब्रिक्स देश जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अमेरिका ने एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार भुगतान के लिए एक नई मुद्रा विकसित करने का प्रयास कर, मतलब क्या कर रहे हैं, डॉलर को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नई मुद्रा लाने के विचार में है। वी डॉलरीकरण से क्या है? जब कोई देश आरक्षित मुद्रा विनियमन के माध्यम से यूनिट ऑफ काउंट के रूप में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करता है तो उसे वी डॉलरीकरण कहते हैं। वैश्विक मुद्रा के निर्धारण कैसे होती है? खुली अर्थव्यवस्था और पूंजीगत खाते में परिवर्तन और राजनीतिक आर्थिक स्थिरता और स्वीकारता और विश्वास से। अब अन्य संबंधित देश तथ्य क्या है? ब्रिक्स मुद्रा का उपयोग सीमा पारी व्यापार के लिए किया जाएगा। ब्रिक्स जो जो ब्रिक्स एक वो जो मुद्रा बना रही है वो 5 देशों के बीच में सीमा पार, वो घरेलू नहीं करेंगे उसको, सीमा पार व्यापार के लिए मुद्रा बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत और मलेशिया भुगतान के अन्य वर्तमान माध्यमों के अलावा भारतीय रुपये में व्यापार का भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं। इन कदमों को वी डॉलरीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम के रूप में देखा जा रहा है। वी डॉलरीकरण की अर्थव्यवस्था क्या है? व्यापार का सशक्तिकरण होगा, मतलब कि वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड होगा। कि आवश्यकता क्यों है? ऐसे देश जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और जिन्हें विश्व पकड़ना पड़ता। उदाहरण के लिए यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। नई उभरती अर्थव्यवस्था, आर्थिक महाशक्ति के रूप में एशिया के उदय ने भारतीय रुपए में युआन जैसे मुद्राओं को महत्व को बढ़ा दिया है। अब उसके बाद विविधता क्या है ये देख लेते हैं। यदि विदेशी मुद्रा भंडार विविध मुद्राओं से परिपूर्ण होगा तो बाहरी क्षेत्रों पर दबाव कम पड़ेगा। अमेरिका द्वारा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेरफेर। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से अमेरिका ने अपने निजी लाभ और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेरफेर करने का भी मौका मिल जाता है। इसे समानता अन्य देशों को नुकसान मिलता है। भारत के लिए भी डॉलीकरण के भी वी डॉलरीकरण के लाभ क्या क्या होंगे ये देख लेते हैं। इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में प्रणालीगत जोखिम को कमी आती है। निर्यात संबंधित प्रतिस्पर्धाओं में वृद्धि होती है। ऋण प्रबंधन पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा। उधार लेने की लागत में कमी आएगी। विदेशी निवेशक आकर्षित करने में आसानी होगी। मौद्रिक नीतियों को लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका कि वी डॉलरीकरण के भारत को लाभ क्या क्या है, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। अब उसके बाद है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए की गई पहले, जो अभी हाल में पहले की गई उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है सीमा पार
रुपए में सीमा पार उधार, रुपए के मूल्य वर्गित या मसाला बॉन्ड की शुरुआत की गई है 2024-2014 में। भारतीय कॉरपोरेट को विदेशों में रुपए की मूल्य वर्णित बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है। जब 2014 में क्या हुआ, जो विदेश जो हमारे देश कंपनियां विदेश में बॉन्ड जारी कर सकती हैं, वो भी रुपए के फॉर्म में। अब व्यापार रुपए में व्यापार निपटान एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जुलाई 2022 ने आरबीआई विशेष विट्रो खाते के माध्यम से रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा जारी किया है। करेंसी स्वैप देख लेते हैं। रुपए में अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सार्क सदस्य देश सहित अन्य देशों के साथ वर्ष 2018 में 23 करेंसी स्वैप समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर सहमति मतलब की जताई है। अन्य उपाय, एशिया क्लियरिंग यूनियन में क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए घरेलू मुद्रा के उपाय की संभावना तलाशी जा रही है। घरेलू रुपए बाजार दरों और मुद्रा बाजार और विदेशों की स्थिति स्थिर रुपए के बाजार को जोड़ने के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाए रखता है। बाजार की तरलता में सुधार के लिए प्राथमिक डॉलर को विदेशी मुद्रा बाजार में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। उसके बाद देख लेते हैं कि भी डॉली कर दिशा में जो कुछ पहले की गई वो देख लेते हैं। 2021 में पीपुल्स ऑफ चाइना और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में ग्लोबल सर्वे डिजिटल करेंसी गवर्नेंस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके अंतर व्यापारी व्यापार को बढ़ावा देता दे रहा है। 2007 में यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने ट्रांस यूनियन ऑटोमेटिक रियल टाइम ग्लास सेटलमेंट एक्सेस एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम यानी कि टारगेटेड 2 को प्रस्तुत किया है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में यूरो में व्यापार और वित्तीय लेन देन को सक्षम बनाता है। तो ये क्या है, एक स्वैप सिस्टम है। अब जो नया टॉपिक आ रहा है वो है रेमिटेंस यानी विपेषण जो होता है, रेमिटेंस जो होता है उसके बारे में है। तो एक मिनट रुकिएगा। रेमिटेंस के बारे में देखना, हाल ही में विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रिक्स निवेश पूंजी जुटाने के लिए प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाने शीर्ष की एक रिपोर्ट जारी की। किसने, विश्व बैंक ने जारी की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर देख लेते हैं। वैश्विक रेमिटेंस विपेषण मतलब जो ग्लोबल रेमिटेंस है उसके बारे में, 2023 में विश्व में रेमिटेंस के रूप में $860 बिलियन भेजे जाने का अनुमान है। वर्ष 2022 में इसकी तुलना में 3% अधिक था। हाँ, तो वर्ष 2022 में देखेंगे तो 3% और था, अभी थोड़ा कम हो गया है। निम्न एवं मध्यम आय वाले देश को रेमिटेंस के रूप में ये क्या है, 2023 में आप देखेंगे लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है में रेमिटेंस के रूप में 669 बिलियन डॉलर के रुपए प्राप्त होने का अनुमान था। वर्ष 2022 में इसमें 3.8% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आधिकारिक विकास सहायता की तुलना में रेमिटेंस जो है वो विदेशी स्रोतों के वित्त प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। हाँ, उसके बाद क्या है, 2024 में सभी जो मध्यम और निम्न आय वाले देश हैं में दक्षिण एशिया में रेमिटेंस की सर्वाधिक वृद्धि जो देखी जाई है वो $89 बिलियन होने का अनुमान है। यह अनुमानित वृद्धि का कारण है भारत को अधिक रेमिटेंस को प्राप्त होना। अब विप्रेषण क्या है, रेमिटेंस को देख लेते हैं। विदेशों में रहने वाले लोग विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपने मूल देशों में अपने सगे संबंधियों को भेजे जाने वाले पैसे को विप्रेषण कहते हैं। विप्रेषण वायर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, ड्राफ्ट चेक आदि के माध्यम से होता है।
अब 2022 में विप्रेषण के शीर्ष तीन प्राप्तकर्ता देश कौन कौन से हैं? वो भारत है, मैक्सिको है और चीन है। 2022 में विप्रेषण के शीर्ष तीन प्राप्तकर्ता जीडीपी के प्रतिशत में देखा जाए तो तजाकिस्तान में परसेंट वाइज जीडीपी में सबसे ज्यादा है, फिर टोगा और फिर लेबनान है। विप्रेषण प्राप्तियों में राज्यवार हिस्सेदारी भारत में किसमें है? तो वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। लोग अक्सर इसमें केरल टिक कर देते हैं, केरल से बहुत से लोग जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री में जाते हैं तो इसलिए उसमें टिक हो जाता है अक्सर। लेकिन याद रखिएगा 2020-21 के डाटा के अनुसार से देखेंगे तो अभी तक तो महाराष्ट्र जो है वो एक सबसे ज्यादा जो विप्रेषण प्राप्त करने वाला राज्य है। 2020-21 के में भारत को प्राप्त विप्रेषण में देश की हिस्सेदारी संयुक्त अरब अमीरात से सबसे ज्यादा, सॉरी यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से 23%, संयुक्त अरब अमीरात से 18% और यूनाइटेड किंगडम से 6.8% है। बाकी ये सब पढ़ने कोई जरूरत नहीं है, वो इसमें खास नहीं दिया हुआ कुछ भी। अब है उदारीकरण, उदारीकृत और विप्रेषण योजना के बारे में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारतीय निवासियों द्वारा विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने उदारीकृत विप्रेषण योजना में शामिल किया है। गौरतलब है कि उदारीकरण विप्रेषण योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में $250,000 तक का विप्रेषण विदेश में भेजे जाने या खर्च करने की अनुमति है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक निवासी भारतीयों द्वारा विदेश में क्रेडिट कार्ड उपयोग में विप्रेषण संबंधित जो $2,50,000 की सीमा से बाहर रखा गया था, क्रेडिट कार्ड धारकों को या छूट विदेशी मुद्रा प्रबंधन चालू खाते लेन देन नियम 2000 के तहत मिली थी। गौरतलब है कि विदेशियों की विदेश में डेबिट कार्ड से होने वाले लेन देन को जो आप देखेंगे कि जो उदारीकरण विप्रेषण योजना में शामिल किया जा चुका है, तय पूछेगा जो क्रेडिट कार्ड से विदेशों में कितना आप मतलब खर्च कर सकते हैं, वो $2,50,000 तक कर सकते हैं। फिर है फेम कैट नियम जो 2000 में आया था उसके बारे में देखते हैं। इस नियम को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत जारी किया गया है। अब है कि फेम के तहत सभी भारतीय निवासियों को किसी भी चालू खाते के लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने की स्वतंत्रता है, बस इसमें कुछ नहीं है। अब देखेंगे कि प्रबंधित बनाम स्वीकृति योग्य विप्रेषण। प्रबंधित विप्रेषण में क्या है, एक्ट नियमों के अनुसूची है। फिर देखेंगे दूसरे देशों में एक्सचेंज में व्यापार का उद्देश्य विप्रेषण है। फिर FATF के तहत जो गैर सहयोगी देशों घोषित किए गए हैं वहां पूंजी खाते संबंधित है, और इसमें कुछ नहीं, सब नहीं पूछेगा इतना। फिर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो देख रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में B3 रेटिंग की पुष्टि की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा है। तो कैसा है, स्थिर दृष्टिकोण है। अब रेटिंग रिबल्स पर एक नजर देख लेते हैं। ये AAA है, AA, BB, BB और CD है। तो इसमें क्या आया है, ये BAA वाला ऑप्शन आया है, वो देख लेते हैं। यह ऋण, यही से प्रश्न आएगा आपका कि ये जो बोल देगा रेटिंग एजेंसी, उससे क्या क्या मतलब है। यह ऋण दायित्वों में भार या ऋण दायित्वों के मामले में सबसे ऊंचे दर्जे की रेटिंग है। इसमें समय समय पर ऋण चुकाने मूलधन तथा ब्याज भुगतान से संबंधित उच्च स्तरों की सुरक्षा की बात की गई है। AA में क्या है, उच्च स्तर की सुरक्षा। A में पर्याप्त स्तर की सुरक्षा। BB में क्या है, मध्यम स्तर की सुरक्षा। BB में क्या है, BB केवल BB में क्या देखेंगे आप, डिफॉल्ट होने का माध्यम स्तर की जोखिम। फिर बी में क्या है, डिफॉल्ट होने का उच्च स्तर का जोखिम। सी में क्या है, डिफॉल्ट होने के अत्यधिक उच्च स्तर का जोखिम। और डी में क्या है, डिफॉल्ट घोषित या ज्यादा ही डिफॉल्ट होने की आशंका है। अब देखेंगे वैश्विक क्रेडिट एजेंसी के बारे में देखेंगे क्या है। सॉवरेन या संप्रभु रेटिंग के जरिए
निवेशक किसी देश में निवेश करते समय उस देश में ऋण चुकाने की क्षमता को मुख्य पैमाने के रूप में इस्तेमाल करते। क्रेडिट एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मिलने वाली रेटिंग का असर जो है 66 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की संप्रभु ऋण पर पड़ता है। ऐसे में वैश्विक पूंजी के लिए गेटकीपर के रूप में कार्य करता है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भूमिका क्या है ये देख सकते हैं आप। हाँ, उसके बाद भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में देख लो। भारत में प्रतिभूति नियामक यानी सेबी जो है वो देखें, सेबी क्रेडिट एजेंसी विनियामक 1999 के तहत सभी क्रेडिट रेटिंग फर्म्स का विनियामक करते हैं। भारत में निम्नलिखित 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। हाँ, ये 7ों के नाम आप देख लीजिए, बस इतना ध्यान रखें कौन कौन से हैं, बस 7। ये रेटिंग एजेंसी क्या कार्य करती हैं? ये समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराकर और निष्पक्ष राय देकर जो है बाजार भागीदारी को सतर्क बनाती हैं। वित्तीय बाजार के विकास में अधिक कुशल बनाने की क्षमता रखती हैं। व्यक्ति या कंपनियों को ऋण चुकाने में क्षमता का मूल्यांकन करती है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटे की वृद्धि के बारे में जो बात चल रही थी वो है। इसके बाद देखते हैं इसमें कितना है, खत्म हो गया, ये ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने सदस्य देशों को कोटे में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा। आईएमएफ में कोटे का फॉर्मूला क्या होता है कि आर्थिक परिवर्तन 15%, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार रखा जाता 5%, जीडीपी 50% और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खुलेपन का 30% है। अब देख लेते हैं जो इसमें क्या कार्यकार जो अन्य संबंधित तत्व देख लेते हैं। कार्यकारी बोर्ड ने सदस्य देशों में वर्तमान कोटे में 50% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। यह वृद्धि देश में मौजूदा कोटे के अनुपात में होगी। जो हर एक देश का कोटा है, जैसे भारत में 2 या 3% है, या किसी अमेरिका का सबसे ज्यादा, तो उसका 50% सीधा बढ़ेगी। मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विचार और मतदान दिया जाएगा। इसके उपरांत इसे प्रभावी बनाया जाएगा। कोटे में बढ़ोतरी का महत्व, इसके जरिए आईएमएफ की स्थिर स्थायी संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। इससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे ऋण के माध्यम से जुटाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। वर्तमान में आईएमएफ यानी बायलेटरल बोरो एडजस्टमेंट पर निर्भर है और वह न्यू एडजस्टमेंट टू बोरो नाम का एक संकीर्ण कालीन ऋण निधि बनाने पर विचार कर रहा है। इसको संसाधनों में 60% आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। कोटा आईएमएफ में कि वित्तीय और शासी संरचना का प्रमुख भाग है। कोटे को विशेष आहार अधिकार के रूप में दर्शाया जाता है, एसडीआर के रूप में दर्शाया जाता है। यह आईएमएफ का यूनिट ऑफ काउंट है। निम्नलिखित कोटे का उपयोग निम्नलिखित के निर्धारण में किया जाता है। इससे पता चलता है किसी देश ने आईएमएफ को कितने संसाधन का योगदान दिया है। इसे आईएमएफ में लिए जाने वाले निर्णय में सदस्य को मतदान की शक्ति प्राप्त होती है। अब सदस्य देशों के प्रति एसडीआर 1 लाख तक का वोट या मूल वोट होता है, यह सभी देशों के लिए समान होता है। इससे यह भी तय होता है कि एक एक सदस्य आईएमएफ में कितना ऋण प्राप्त कर सकता है। एसडीआर का सामान्य आवंटन निर्धारण होता है। वर्तमान में भारत को 2.63% का मतदान अधिकार है और एसडीआर कोटा जो है वो 2.75% का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति 1944 में ब्रिटेन वुडलैंड सम्मेलन के तहत स्थापित की गई थी। विश्व बैंक समूह में शामिल होने के योग्य होने के लिए किसी देश को आईएमएफ में शामिल होना चाहिए। मुख्यालय का है वॉशिंगटन डीसी में। भूमिका क्या है? आईएमएफ के 3 महत्वपूर्ण विषय हैं, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार और आर्थिक विकास को विस्तार को प्रोत्साहन करना, ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित करना जो जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाए। सदस्य देश क्या है? इसमें भारत सहित जो है 190 देश हैं। संपर्क क्या होता है? ये G20 सहित अन्य समूह के साथ निकटता से सहयोग करता है और अपनी परस्पर भूमिका प्रक्रिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बनाए रखने के लिए G20 को प्रयासों का समर्थन करता है।
मुख्य रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दो ये रिपोर्ट निकालता है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा कृषि आएगा। कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर तो ये हॉट टॉपिक के रूप में आता है प्रीलिम्स एग्जाम में। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद।